नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भाटिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने इनकम टैक्स से रिलेटेड एक डिस्कशन लेकर के। आज के डिस्कशन में मैं आपके साथ सेक्शन 269SS और सेक्शन 269T जो आयकर अधिनियम 1961 में दिए गए हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पॉइंट क्या है सर कि हम जब लोन के ट्रांजैक्शन करते हैं, लोन लेते हैं या लोन वापस करते हैं, और बहुत सारी बार हम लोन के रूप में उसको बोलते नहीं हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, मैं मेरे दोस्त के पास में गया, उसको बोला यार तू मेरे को 50,000 रुपये दे दे। उसने मुझे 50,000 रुपीज़ कैश दिए, मैं 50,000 रुपीज़ लाया, मेरे बैंक में जमा कराए। मेरे को कोई मान लीजिए एसी खरीदना था, मैंने एसी खरीदा, बाद में मेरे पास में पैसे आए, मैंने उसको 50,000 रुपये निकाले वापस दे दिए। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा असेसमेंट खुलता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी मेरे से पूछती है भाटिया जी ये 50,000 रुपये खाते में क्यों जमा कराए, और फिर ये 50,000 रुपये आपने जमा कराए फिर कहीं से आपके आए फिर आपने निकाले। मैंने कहा सर मेरे को 50,000 रुपये की आवश्यकता थी, मैं मेरे दोस्त के गया तो दोस्तों के पास ही जाता है आदमी, मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास, उससे 50,000 रुपये लिए, 50,000 रुपये मेरे पास वापस आए, मैंने उसको दे दिए। तो यो बोला आपको पता नहीं है साहब, आपने 50,000 रुपये का लोन लिया और 50,000 रुपये लोन वापस कर दिए, यानी आपने 50,000 रुपये नकद में लोन लिया और 50,000 रुपये नकद में वापस कर दिया। सर सेक्शन 271D और सेक्शन 271E, ये दो सेक्शन है, वो ये कहते हैं यदि आपने 269SS और 269T का नॉन कंप्लायंस कर दिया। अब ये नॉन कंप्लायंस कैसे होगा, 269SS कहता है कि आपने यदि किसी व्यक्ति से लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है और वो लोन या डिपॉजिट 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा के अमाउंट का है और आपने ऐसी राशि नकद में एक्सेप्ट कर ली है तो जितना अमाउंट आपने कैश एक्सेप्ट किया है उतने के बराबर की पेनल्टी लगेगी। इसी प्रकार से सेक्शन 269T कहता है कि यदि आपने किसी से लोन ले रखा है और उसको रीपेमेंट किया और वो रीपेमेंट आपने नकद कर दिया, यदि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 20,000 रुपये उससे ज़्यादा है तो जितने का लोन का रीपेमेंट या डिपॉजिट का रीपेमेंट नकद किया उतने के बराबर की पेनल्टी। 50,000 रुपये मैंने मेरे मित्र से लिया, 50,000 तो उसको वापस भी कर दिए, लेकिन लोन है निश्चित रूप से सर, इट इज नॉट अ फॉर्मल लोन बट है तो सही लोन ही। ये 50,000 रुपये लेना और 50,000 वापस करना मेरे ऊपर 1,00,000 की पेनल्टी ला सकता है। मैसेज क्या है सर, कैश के ट्रांजैक्शंस मत करिए, नंबर वन। दूसरा, यदि आपको जेन्युइन परिस्थितियों में कभी लोन लेना भी पड़ता है, किसी से अमाउंट भी लेनी पड़ती है और आप उस अमाउंट को वापस देंगे ऐसा है तो आप चेक से एक्सेप्ट करिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस से एक्सेप्ट करिए, RTGS NFT से एक्सेप्ट करिए और उसको उसी मोड से चेक से RTGS से NEFT से वापस चुकाइए। बहुत सी बार सर ऐसा असेसमेंट्स के दौरान देखा गया है कि असेसी कैश कहीं खाते में जमा कराया, डिपार्टमेंट ने उसका एक्सप्लेनेशन पूछा, असेसी ने एक्सप्लेनेशन दिया साहब मैंने तो कैश लिया था 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए उधार वापस कर दिया। सर ये बड़ा लूज आंसर है, यदि आप इस प्रकार से अपने ट्रांजेक्शन्स को जमाते हैं, आप जेन्युइन ट्रांजेक्शन है आपका, लेकिन 99.9% ऐसे ट्रांजेक्शन्स के अंदर पेनल्टी लगने की पूरी संभावना होती है। अतः हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम जो भी लोन के ट्रांजेक्शन करें, मैं डिपॉजिट पर इन्फेसिस क्यों नहीं दे रहा सर, क्योंकि डिपॉजिट तो कोई एक सामान्य व्यक्ति एक्सेप्ट करता नहीं, कंपनियां ही एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन हम एज अ लेमैन एक पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी भी सर अनसिक्योर्ड लोन ले सकती है। जब हम कोई अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं और उसको वापस भुगतान करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमारे को रिस्पेक्टिव पेमेंट को लेते समय भी चेक में पेमेंट लेना है और वापस करते समय भी सर चेक में पेमेंट देना है, नहीं तो हमारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर इनकम संबंधी कोई एडिशन नहीं है परंतु सर पेनल्टी इतनी खतरनाक है कि आपने जितना नकद में अमाउंट लिया उतने के बराबर की आपके ऊपर पेनल्टी लेते समय के अमाउंट के लिए और देते समय के अमाउंट के लिए लग जाएगी। इसके साथ साथ सर कभी कभी यह भी हो सकता है कि
मैं एक और आपका ध्यान और ले जाना चाहूंगा, सेक्शन 269SS जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है, वो एक और ट्रांजेक्शन को कवर करता है जिसके संदर्भ में लोग गलतियां करते हैं। वो क्या है सर, कि जब हम कोई रियल एस्टेट बेचते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको लैंड है, आप उसको 8.5 लाख में बेचना चाह रहे हैं, मैं खरीदना चाह रहा हूं, तो मैंने 8.5 लाख में ही रजिस्ट्री होगी, मैं आपके पास में आया, मैंने कहा सर ये 8 लाख रुपए तो आप मेरे से चेक से ले लीजिए, 50,000 रुपये मैं रजिस्ट्री वाले दिन नकद दे दूंगा। ठीक है, आपने मेरे पे विश्वास किया, 8 लाख का चेक मेरा क्लियर भी हो गया, 50,000 रुपये मैंने आपको नकद रजिस्ट्री वाले दिन दे दिया सर, आपने 8.5 लाख रुपये की रजिस्ट्री कराई। ध्यान दीजिएगा सर, यदि किसी व्यक्ति ने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है 1 जून 2015 ऑनवर्ड्स और उसमें 20,000 रुपये या उससे ज्यादा का कंसिडरेशन नकद प्राप्त कर लिया है, तो जितना नकद प्राप्त किया उतने के बराबर की पेनल्टी लग जाएगी। यानी प्रैक्टिकल मैसेज ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल पर कोई कंसिडरेशन नकद में नहीं लेना, यदि आप नकद में कंसिडरेशन लेंगे तो उतने के बराबर की पेनल्टी आपके ऊपर अट्रैक्ट होगी। तो सर यह भी एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है जो हमें ध्यान रखना है। एक और बात सर, कभी कभी जब हम बैंकों से लोन लेते हैं और हम उसका कैश भुगतान करना चाहते हैं, तो हम काउंटर पे गए, हमने कैश जमा कराया, बैंक वाले को बोला साहब हमारा बैलेंस आप इससे नॉक ऑफ कर दीजिए। जब मैं इस प्रकार से किसी लोन का रीपेमेंट कर रहा हूं, तो क्या ऐसी परिस्थिति में मेरे ऊपर सेक्शन 269T का नॉन कंप्लायंस आएगा क्या? क्योंकि सर बैंकों को जब हम पेमेंट करते हैं तो एक्सेप्शन के रूप में सेक्शन 269T में लिखा है कि आपके ऊपर ये प्रावधान लागू नहीं होगा, अतः ऐसी परिस्थिति में सर सेक्शन 269T का नॉन कंप्लायंस नहीं आएगा। तो जैसा मैंने पहले कहा सर, फिर रिपीट करना चाहता हूं कि अल्टीमेट मैसेज तो यही है, कैश के ट्रांजेक्शंस नहीं करिए। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चित रूप से ये एक अच्छी संकल्पना है कि सारे ट्रांजेक्शन जहां तक संभव हो बैंकिंग चैनल के थ्रू रूट हों। क्यों? क्योंकि पैसा अनावश्यक कहीं खातों में भी पड़ा रहा तो भी सर बैंक को काम में आएगा, जो अल्टीमेटली इकोनॉमी में काम में आएगा। ऑफकोर्स पीएनबी जैसे घोटाले नहीं होना चाहिए, ऐसा हम सोच सकते हैं, पर जनरली कॉन्सेप्ट यह है सर कि पैसे का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन बैंकिंग चैनल के थ्रू होगा और ट्रेल्स अवेलेबल होंगी, और साथ के साथ सर हम भी एक प्रकार की किसी टैक्स नॉन कंप्लायंस में आने से बचते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ थॉट विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। थैंक यू फॉर patiently listening to me. I will try to come up with more such topics in future. Thank you very much for your kind appreciation. Thank you.